हेलो गाइस, आज हम ये नया कक्कर स्टाइल का ब्लाउज कटिंग करेंगे, लेकिन इसका कट जो है अलग देंगे। प्रिंसेस कट हम नया कटिंग करके दिखाएंगे आपको। ये नॉर्मल प्रिंसेस कट होता है वो नहीं करेंगे, थोड़ा चेंजिंग करके हम बनाएंगे। तो उसको किस तरह से कटिंग किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से, वो आज हम सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए किस तरह से मैं नया कटिंग करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये शोल्डर का निशान है। अब यहाँ से लेंथ लेंगे और डार्ट पॉइंट लेंगे। तो लेंथ हमारा 14 इंच है। इस तरह से 14 इंच पे हम निशान लगा के इस तरह से सीधा एक निशान लगा देंगे फुटपट्टी से, ताकि आप लोग को बराबर समझ में आए कि ये क्या किस लिए निशान लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अभी शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, लेकिन हम क्या करेंगे कि 5 अप पे लगा के, 5.5 पे लगा के हम इस तरह से स्लोप दे देंगे हल्का सा, और 1.5 इंच का ब्रॉडिंग रख देंगे नेक का। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 इंच पे निशान लगाएंगे और हम इसको 5 शेप देंगे। स्वेट आर्ट नेक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है उंगली के सहारे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो एकदम परफेक्ट नेक का जो भी शेप चाहिए आप कर सकते हो। तो इस तरीके से करने के लिए आपको इस तरह से शेप देना चाहिए। तो आप इस तरह से देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, डार्ट पॉइंट का नापेंगे। तो डार्ट पॉइंट हमारा 9.5 पे है, तो 9.5 पे निशान लगा लिया मैंने, और यहाँ पे 3.25 पे लगाया निशान हमने। ब्रॉडिंग का जो सेंटर का होता है वो 3.25 पे निशान लगाया मैंने। तो इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद निशान को थोड़ा सीधा कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो थोड़ा नीचे ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन मैं 2 इंच पे लगा रहा हूँ। वो क्यों लगा रहा हूँ आप देखो, और यहाँ से मैंने 2.25 पे निशान लगाया। ये डार्ट का निशान है, ये 2.25 का डार्ट मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो डार्ट का निशान है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेप देते हुए हमको इस तरह आके डार्ट पॉइंट के सेंटर पे लगा देना है, मिला देना है। ये मिल गया हमारा, ये डार्ट जितना लेंथ हमारा ये है उतना ही लेंथ हमको इधर लेना है, क्योंकि कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डार्ट को क्लोज करेंगे तो नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बराबर पर लगाएंगे। इसका शेप हमको उस तरफ से घुमाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का सा शेप देना है। तो इस तरह के शेप देखे, यही डार्ट है, ये डार्ट का जो मैंने निशान लगाया ये डार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से लगाने के बाद में हम यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये यहाँ से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो न्यू स्टाइल का हम प्रिंसेस कट कटिंग करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 इंच पे निशान लगा के हम यहाँ पे रिम निशान लगा लिए हैं, और इस तरीके से यहाँ से शेप करके हम देखेंगे तो 1.5 इंच के करीब हमको लगाना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे करके ये 1.5 इंच का डार्ट हमको लगाना है। तो ये 1.5 इंच का हम डार्ट को लगाएंगे, और नीचे 2.25 इंच का था, तो देखिए कितना इंच हो जाता है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो ये दूर जो डार्ट होते हैं उसका लेंथ ज़्यादा होता है, तो आप लोग सोचते हो कम ज़्यादा डार्ट क्यों लगाते हैं। तो यही वजह है कि डार्ट जो दूर रहेगा, अगर पैड से दूर रहेगा तो वो तो ज़्यादा होना ही होना है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो पैड के करीब जाके कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपर चेस्ट के हिसाब से निशान लगा लिया हमने। तो अपर चेस्ट हमारा 34 है, तो 34 के हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निशान लगाया और 1.25 इंच बढ़ा के लगा लिया है, 1.25 इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया है। तो 1.25 इंच बढ़ा के इस तरह से शेप दे देंगे। तो शेप देने के बाद में हमने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया है। ये अलग टाइप का शेप है प्रिंसेस कट का। तो देखिए मैंने कहाँ लगाया, इसी तरह से आपको करना है। और यहाँ पर एक सीधा निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा, जो हमारा नीचे का निशान है वो निशान को सीधा लगाना है। और जो हमारा वेस्ट है 30 इंच का, तो वहाँ पर एक निशान लगा के और वही 30 इंच का हम यहाँ पर ऊपर की तरफ लगाएंगे, और यहाँ पे बढ़ा लेंगे 1 इंच के करीब, क्योंकि हमारा ये ऊपर का पार्ट जो है राउंड होने वाला है, इसलिए बढ़ेगा वो, इसलिए हमने लगाया 1 इंच बढ़ा के। तो ये बड़ा हो जाता है इसलिए हमने बढ़ा लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जाके इस तरह थोड़ा शेप करके लगा देना है। और यहाँ पे शेप लगाने के बाद में हमारा ड्राॅइंग हो गया है। आप देखोगे कि कितना जल्दी हो गया है, कितना आसानी से हो गया है ये कट, कितना आसानी से मैंने कर लिया है, बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं लगा है। ये दोनों डार्ट को जब क्लोज करेंगे तो बराबर निकलेगा। तो अभी आपने देखा नेहा कक्कड़ ने पहना है किस तरह से, बॉडी में सेंटर का पार्ट ऊपर की तरफ है, शेप है, उसी तरह से ये बैठेगा। लेकिन अभी डार्ट को क्लोज करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम आपको बताएंगे किस तरह का ये बैठता है। तो डमी पे हम लगाएंगे और कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो ये कितना आसान होता है, आप देखते हो तो आप लोग को लगता है कि बहुत टाइम लगेगा, कैसे कटिंग होगा, लेकिन मैं कितना आसानी से आप लोग को बताता हूँ, कितना आसान तरीका बताता हूँ। तो मेरा यही मकसद है, आसान तरीका, आसान आप लोग को कर देना। जो भी डिफ़िकल्ट दिखते हैं, बहुत लोग डराते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं डराता नहीं हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ बिंदास कटिंग करो, कोई डरने की बात नहीं है। डर के काम करोगे नहीं कर पाओगे, आप बिंदास कटिंग करो। जो भी है मेरे इसको, जो भी मैं करता हूँ इसको फॉलो करके फटाफट कटिंग करो, ट्राई करके देखो, कुछ भी मिस्टेक होता है उसको सुधार लो।
नहीं सुधरता है मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक होता है। कॉल पे मैं अच्छी तरह समझा पाऊंगा, मैसेज में आप करते हो तो मैं अच्छी तरह से नहीं समझा पाता हूँ, तो इतना लिखने का टाइम नहीं रहता है मुझे, तो इसलिए जो है आप लोग जो है कॉल करोगे मैं अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो किस तरह से मैंने शेप निकाल लिया। तो इस तरीके से कोई भी ब्लाउज है आप नया नया पैटर्न आप आराम से कर सकते हो। तो ये अलग कटिंग है जो नेहा कक्कर ने पहना है, लेकिन मैं इसको अलग कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम मुझे नहीं करना है, थोड़ा चेंज करके करना था, ठीक है। तो देखिए डार्ट क्लोज करेंगे तो किस तरह से होता है। तो इस तरीके से आर्मोल को चेक करेंगे तो आर्मोल हमारा छोटा है थोड़ा, तो हम इसको सेव करके थोड़ा बढ़ाएंगे तो नाप के देखेंगे कितना है और उस हिसाब से हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो देखिए पेपर जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उसको सीधा करना है। इस तरीके से आर्मोल का शेप हमको यहीं पे सुधारना है क्योंकि आर्मोल एक बार में कटिंग बराबर नहीं होता है, ज़रूर 19-20 हो जाता है, क्योंकि जब डार्ट वाले होते हैं तो ज़रूर 19-20 हो जाता है। तो आप लोग को सही कर लेना है, जब भी कुछ भी मिस्टेक होता है आपको सही कर लेना है, सही करने के बाद ही कपड़े पे जाना है कटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा उतार के हम शेप दे देंगे तो जो हमारा मेजरमेंट है वो बराबर आ जाएगा और शेप जो चाहिए वो भी आ जाएगा। तो ये नीचे से यहीं तक आया है कटिंग, अब ऊपर से हम थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो इस तरीके से जब कटिंग करेंगे तो एकदम ही बेहतरीन आता है। और इस तरीके से कटिंग करके ट्राई करो और बनाओ, और अब आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ट्राई करो, बिल्कुल आसान तरीका होता है, कुछ भी नहीं होता है सब, ये डरने वाली कोई बात नहीं है, बिंदास बनाया करो। आप लोग को थोड़ा थोड़ा चीज़ पे बहुत डर लगता है, आप लोग हर चीज़ पूछते हो, पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग अगर इससे इस लाइन से जुड़े हुए हो, मुझे पता है कि जो लाइन से जुड़ा होता है वही ये काम करता है सीखता है, लेकिन आप लोग को बिंदास कटिंग करना है और बिंदास वो करना है। देखिए मैं बराबर पे रखा हूँ, इस तरह से बराबर पे रखना है। अगर शोल्डर अगर आपको बड़ा रखना है बैग से, मतलब बैग में हाई रखना है नेक, तो आपको आगे बढ़ा के रखना है, तो उसको किस तरह कटिंग होता है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, फिर इसको हम लो पे कटिंग करेंगे, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ। तो शोल्डर जितना हमारा है 14 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में हमको क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ा लेना है। देखिए किस तरह से मैंने रखा है, अब इसको किस तरह से रखेंगे, साइड का पैनल और इस तरह रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, और जितना हमने डार्ट को फैलाया था उस तरह से फैला देना है, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे लेंथ वगैरह सेम निकल जाता है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ डार्ट को फैला देंगे तो ऑटोमेटिक लेंथ हमारा निकल जाता है, इसमें खींचने खाँचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ये कट देना है तो बिल्कुल उसी पे लगाना है जहाँ पे ये साइड हमारा बैठा है, वहीं निशान लगाना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और ऊपर का जो होता है शोल्डर सीम उस पर आधा इंच के करीब बढ़ा लेंगे तो एकदम परफेक्ट आ जाता है। अगर हमको ये वाला नेक कटिंग करना है तो इस तरीके से रखना है जो मैं लो कटिंग करता हूँ, देखिए ऊपर वाला करना है तो इस तरह बढ़ा लेना है, ठीक है। और हमारा लो कटिंग करना है तो इस तरह से बराबर पर रखना है जो 10 इंच पर जाना है। तो देखिए एकदम बराबर आया, थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा होएगा चलता है, क्योंकि बैग थोड़ा बड़ा होता है आर्मोल की तरफ से, ऊपर का पार्ट थोड़ा बैग का बड़ा होता है, वही अच्छी तरह से बैठता है। और बैग को अगर आपको 10 इंच तक नेक जाना है तो ये बराबर पे ही रखना है। तो देखिए मैंने बराबर पे निशान लगाया है, इस तरह से निशान लगा के हमको कटिंग करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे किस तरह से लगाना है। अगर ये नेक कटिंग करना है तो आपको इस तरह से खींचना है, देखिए ये दोनों में कितना फ़र्क है, लो नेक में और नॉर्मल नेक में, नॉर्मल बैग में और इसमें कितना फ़र्क आया, देखिए साइड का सीम कहाँ चला गया और वो उसका कहाँ है, तो कितना फ़र्क आया शोल्डर में और इसमें, तो इस तरह से फ़र्क आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करोगे तो बराबर समझ में आएगा, दोनों मैंने समझा दिया इसमें, और जितना हमारा अपर चेस्ट है उतना ही लगाना है निशान, इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, तो बराबर पर ही लगाना है। तो ऐसे नाप के देखेंगे तो ये भी बराबर आ रहा है, देखो कितना भी इसको भी नापेंगे तो उतना ही आता है, तो दोनों में कितना फ़र्क है। इस तरीके से क्या होता है कि दोनों में फ़र्क आता है, जो लो नेक होते हैं उसमें अलग होता है, जो नॉर्मल नेक होता है उसका अलग होता है, तो इस तरीके से कटिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डार्ट का इस तरह लगा लेंगे, जो वेस्ट का डार्ट है उस तरह से हम बढ़ा के इस तरह निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट में डार्ट देना ज़रूरी है, डार्ट देंगे तो ही अच्छी तरह से बैठता है, नहीं तो वेस्ट पे चिपकता नहीं है अच्छी तरीके से, ठीक है। वेस्ट में ज़्यादा शेप हो तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है, इसीलिए जो है कभी भी वेस्ट पे निशान लगा लिया जाता है डार्ट का, और डार्ट को कटिंग करके ही बनाना चाहिए। आप अगर डार्ट में कटिंग करना नहीं चाहते हो तो ये पेपर कटिंग करके क्लोज करके कपड़े पे कटिंग कर सकते हो, तो डार्ट खत्म हो जाएगा, तो उसका भी तरीका होता है, आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इस तरीके से हमने नेक लगाया, जो आगे लगाया था वही पीछे लगाया है, और शेप को देखो मैं किस तरह से सुधार रहा हूँ। तो चौक से अच्छा मार्किंग हो जाता है मेरे से, तो चौक से मैं करता हूँ तो ज़रा परफेक्ट दिखता है, लेकिन ये मार्कर वगैरह से मुझे इतना नहीं जमता है, इसलिए जो है ये थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डार्ट का निशान लगा लेंगे, अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे, वैसे भी हम फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो एक जैसा होता है। तो ये निशान आपको लगा के दिखाया मैंने, लेकिन हम क्या करेंगे कि फोल्ड करके ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह मार्किंग पे ही कटिंग करना है, बाद में कपड़े पे कटिंग करना है तो बढ़ा के कटिंग कर लेना है आप लोग को, ठीक है।
तो इस तरीके से कर लेंगे तो परफेक्ट आएगा। आपको शेप में कुछ भी दिक्कत दिखता है आप सुधार लिया करो, शेप को बराबर ध्यान दिया करो, कटिंग एकदम बराबर होना चाहिए, स्टिचिंग भी बराबर होना चाहिए, स्टिचिंग में भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप लोग अच्छा स्टिचिंग करना सीखो, अच्छा कटिंग करना सीखो। तो मेरा सिखाने का मतलब सिर्फ पैटर्न सिखाना नहीं है, फिनिशिंग भी सिखाना है। तो फिनिशिंग भी आप लोग सीखा करो किस तरह से बेहतर बनता है, कटिंग हो या स्टिचिंग हो। तो इस तरह से जितना बेहतरीन आप कटिंग करना जानते हो, मतलब जो भी पैटर्न आप अच्छा बनाना चाहते हो, तो उसके साथ साथ फिनिशिंग का भी ध्यान रखा करो। तो इस तरीके से क्लोज कर लेंगे और क्लोज करने के बाद में हम इसको कटिंग करेंगे। तो लो हमारा नेक है तो मार्किंग पे ही जाएंगे, सेंटर में सिर्फ अलग होगा, लेकिन वो मार्किंग और इधर का मार्किंग मिला के ही हमको लगाना है निशान, ठीक है। अगर हमारा बैग बंद होता है तो हम नीचे की तरफ थोड़ा करते हैं, तो इस तरीके से करके करेंगे तो एकदम बराबर आएगा। थोड़ा ये बैग से खींच लेता है नीचे की तरफ तो हमारा नेक टाइट हो जाता है बैग का। इस तरीके से कटिंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये कटिंग करके ट्राई करके देखो कि कैसा होता है। तो देखिए हमारा कटिंग हो गया है। मेरा ये कटिंग करने का अंदाज, ये तरीका, ये जो भी है आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। और इस तरह से हमने एक निशान लगा दिया डार्ट पॉइंट का, वहीं पर पैड लगाएंगे और इस तरह से क्लोज करेंगे तो ऐसा होता है। देखिए किस तरह से दिख रहा है ये। तो इस तरीके से आप जो है, मैं बना दिया हूँ, आप देखिए किस तरह का दिख रहा है ये। तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, आप देखो इस तरह से कटिंग करके देखो, इस तरह से बना के देखो। तो ये नया कट है, नया तरीका है, तो इस तरह से फॉलो करो। और भी अलग अलग आपके पास इमेज है तो आप मुझे भेजो, मैं अलग अलग कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग होता है। जो भी जितना भी आर्ट पैटर्न हो आप भेजो, मैं कटिंग करके दिखाऊंगा। इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।